और आज जो है अभी विदा हो रही है कि जाने का मन तो नहीं होता है, छोड़ के जाओ क्योंकि बेटा को पाली, वो बेटा इतना बड़ा गिफ्ट दिया, जाना तो पड़ेगा ही। पहले बेटा को मिस कर, पोता को भी। फिर आऊंगी तुमसे मिलने, आऊंगी ना। कितना दिन रहेंगे जी? कभी भी तुम लोग कहेगी जी जाइए, चाहे 4 महीना के बाद आना, 6 महीना रह जाओ तुम। ठीक है, तो आप तुम लोग बैठो, तब निकलते हैं। तो आंटी जा रही है जी यहाँ से। अभी रुके हुए क्रॉसिंग पे, जानकी एक्सप्रेस है, सहरसा से जाती है। हम अपना बेटा के साथ में हम जानकी से जा सकते हैं। जाएगा, पापा के नानी है, हो सकता है डायपर में ढारा हो। जय महादेव, भूख से जान जाए सो, कतो नाश्ता दुकान बैठा दे। हर हर बोली चलो, तो मिला था झलटंगा, तो खाए नहीं आप लोग? अरे तुम्हारे डैडी बोल रहे थे खाने के लिए, बोले कि हम झलटंगा दुकान पर खाने के लिए पैदा हुए। पेट में भी क्रॉसिंग लग गया। नहीं, वो जो दुकान था ना, बिल्कुल बेकार दुकान था, वहाँ भूखे रह जाएगा, लेकिन वो दुकान में खाने वाला था ना, बेचने वाला था। सही, जाइए खाइए पकौड़ी, आप पकौड़ी खाइए, पकौड़ी ये पकौड़ी लाल, तुम खाएगा पकौड़ी? शांत है तो वहीं रख लो, उसको वहीं रखो, शांत है जब तक, वहाँ जाएगा तो अशांत कर देगा ही, अशांत कर जाए, यही रहो, तुमको जो करना है घर का व्यवस्था यही है, दादी के पास में करो, इधर उधर मटकने का जरूरत नहीं, समझा? और मुट्ठी में घुसा लो, घुसा लो। ओ किसा बना उतर गए लो, ये बस बुजी का ले रहे हो, खींच लिए पकड़ के बुजी का। One hour later. हम लोग जी जाम से निकल गए, और जाम से निकल के सीधा पहुँचे हम लोग कटिहार के शहर, और कटिहार के शहर में एक पहुँच के झालमुरी के दुकान पर। हम लोग पहले भी आए, बिल्कुल, तो हम लोग यहाँ पर झालमुरी खा रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं, दीदी दादी भी बैठे हुए हैं, इधर प्रियांश जो है, दादी का हाथ पकड़ लिया। अच्छा, नहीं खाने जाएगा दादी को? A few moments later. हम लोग का तो खाना हो गया, मम्मी जो है थोड़ा जल्दी जल्दी खा ली, क्योंकि क्रियांश जो है थोड़ा शोर मचा रहा था, और दादी यहाँ लेकर के बैठ गई है, अब चलो इसको लेकर के घर जाने की बारी, चलो चलो क्रियांश। The next day. तो जी कल हम जो है अच्छे खासे घूम लिए, और काफी अच्छा लगा, पूरा परिवार जो है एक साथ घूमने गया हुआ था, और आज जो है आंटी विदा हो रही है, कुछ अच्छा खासा दिन रही तो काफी अच्छा लगा, घर में एक अलग सा चहल पहल था, और फाइनली अब समय आ गया है विदाई का। देखिए, जाने का मन तो नहीं होता है, छोड़ के जाऊँ क्योंकि बेटा को पाली, अब वो बेटा इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, उसको छोड़ के कैसे जाऊंगी, लेकिन करूँगी क्या, घर है, जाना तो पड़ेगा ही, पहले बेटा को मिस कर, पोता को भी मिस करेगी, बहुत बहुत मिस कर। वैसे दुर्गा पूजा जो है नजदीक आने वाला है, तो दुर्गा पूजा में मौसी की हम लोग जाने वाले हैं, तो उस समय फिर एक बार मुलाकात होगी। हाँ, बहुत खुशी होगी, तुम लोग आओगे तो बहुत खुशी होगी। अब पोता के लिए तो वैसे भी मैं उसका फोटो दिन रात देखती रह दूँ, नहीं लगता है ना तो वीडियो कॉल कर देती हूँ। अच्छा, तुम तो अपने मामा के साथ सो जाएगा, लेकिन दादी दादी तुमको लेके सोती थी ना लाट में, अब तो दादी लाट में खोजेगी, पुतिया को खोजेगी, दादी खोजेगी कि नहीं खोजेगी बताओ, खोजेगी ना, बोलो दादी मैं आ जाऊंगा, है ना? लो छोटा सा गिफ्ट है, मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट है, छोटा सा है, है ना? अरे वह चूड़ी के लिए दिए है, हाथी घोड़ा नहीं दादी के पास में है जो देगी, प्यार दिए है, आशीर्वाद दिए है, बोलो वही चीज चाहिए हमको, दादी आशीर्वाद दी है, प्यार दी है, जुग जुग जियो मेरे बेटा, जुग 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 जियो, दादी को मिस करेगा ना, करेगा कि नहीं, दादी को मिस करेगा ना? हाँ खूब मिस करेगा, कहीं करूँगा, बोलो मैं अपने दादी को पूरा मिस करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा? बोल ली, थू थू काती बाबू, याद करेगा ना दादी को निनिया करने समय में? क्या करी कहीं पूजा के पक्षी में, आ जब घटते हो तो एक बता और दो, नहीं पूजा वाला मरल के रह छन, तो यादर मामी ले तो रख दे, चलो या मामी पूजा के लिए दी है, और दीदी बोली है कि अगर इसे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहाँ जाएगी तो घटेगा, और याद लगा के देगी, मेरा पाठा जरूर है ना, लास्ट है किशन के लिए, हम माने थे मेरा लास्ट है, एगो बरसा से एगो तो पसंद जाता है, अच्छा ठीक है, बरसा के मालूम चलते तब ने ले लेते, ले तो ले जा, पर चला दोनों पर बरसा का पता चले छे, कपड़ा पसंद होगा ना उसको, तो कहे कि मम्मी कपड़ा बहुत सुंदर है, ले लूं, ले लो
पैसा देगी ना, कह रहे अभी पैसा नहीं है बाद में तुमको दे दूंगी। मम्मी पसंद तो था लेकिन इसका कलर थोड़ा अलग लगता है। तुम्हारी भूजी क्या कहती है, पसंद तो था थोड़ा कलर अलग लगता है। इसी तरह मेरा बेटा कहेगा, बोलो दादी तुम अब कब आओगी, जब मेरा पोता बुलाएगा दादी तुम आ रही हो, लेकिन मैं कह के नहीं आऊंगी, देखता है ना आने लगती हूँ तो क्या हो जाता है, भंगट जाता है, भंगट जाता है। इसलिए मैं जब आऊंगी तुमसे मिलने सरप्राइज, वाह सरप्राइज रहेगा, ग्रिल में धक्का मार के आऊंगी, किसी को नहीं कहूंगी तुम्हें कब आ रही है ना, मैं किसी को नहीं कहूंगी क्योंकि जब सोचती हूँ आती नहीं हूँ। बोलो बात करो दादी, बाद में रोना। तो समय हो गया है निकलने का, तो निकला जाए, एक एक करके छोड़ते हैं, पहले तुमको स्टेशन पहुंचा देते हैं फिर वर्षा को। आंटी तैयार हो गई हैं। हाँ जाने का बारी है, कितना दिन रहेंगे जी, कभी भी तुम लोग कहेगी जी जाइए, चाहे 4 महीना के बना 6 महीना रह जाओ, तुम लोग ने कहेगी जी जाना, हमको मन होगा जाने का, न तुम लोग कहेगी जाइए, आप जाइए, फिर आऊंगी तुमसे मिलने, आऊंगी ना, बाय बाय पोता बाय। खूब सुहागवती पुत्रवती रहो, दिन दुना रात चौगुना पुतो फलो, आगे बढ़ो, यही आशीर्वाद है आंटी का। 20 मिनट्स लेटर स्टेशन पहुंच चुके हैं और पता चला है कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर है, तो सभी लोग वहीं पर चल रहे हैं, मुझे टाइम है हाथ में, कोई हड़बड़ाने की बात है नहीं, जब भी आंटी चलती है तो अपना समय जो है हाथ में लेकर के जरूर चलती है, ये हमारे साथ होता है कि जब भी चलते हैं तो हड़बड़ा जरूर जाते हैं क्योंकि एकदम एंड टाइम पर निकलते हैं। हम लोग ये लिफ्ट के पास खड़े हैं और यहाँ ओवरलोडेड जो है बहुत देर से लिखा हुआ है, अगर उतरने को तैयार नहीं होगा, सबके मन में होता है अगर उतरेगा तो हम उतरेगा, कोई उतार नहीं रहा है, इसलिए हम लोग लिफ्ट का खड़े हैं, लगता है क्या इस फिराक में हम लोग का ट्रेन तो नहीं कहीं मिस हो जाए, इस तरह मशक्कत के बाद खुल गया, हम लोग भी ओवरलोडिंग में ना आ जाए। आंटी और वर्षा जो है बैठ गए ट्रेन में, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से बैठ गए ये लोग, इन लोग को सीट मिल गया, सीट कैसे नहीं मिलता, मेरा बेटा पहले से जुट चुका है, नहीं कई बार होता है हम लोग के साइड में कि रिजर्वेशन करवा भी लेते हैं फिर भी भीड़ रहता है, बहुत बहुत, अभी तो ट्रेन का टाइम नहीं हुआ, भीड़ नहीं होगा तब तो आगे होगा, पूर्णिया से भर जाएगा, पूर्णिया से भर जाएगा, कोई बात नहीं, अपना सीट ले चुकी है, जहाँ भीड़ होगा अपना होगा देखा जाएगा। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं जी कि दुर्गा पूजा में आए और एक बार मुलाकात करें वहाँ पर, क्योंकि मेरा 10 साल हो चुका है नानी घर गए हुए, एक बार फिर चलना है हमें, तो अब ऐसा करते हैं जी अब जो है हम भी चलते हैं, ट्रेन जो है कुछ ही देर में खुल भी जाएगी और कोशिश करेंगे कि दुर्गा पूजा में आए, बहुत दिनों से गई भी नहीं है, हमको तो लगता है 10 साल से ज्यादा हो गया, 10 साल से आराम से, 10 साल से ज्यादा हो गया, इसलिए सही बात है, और हमारा जो बचपन है वहीं पर बीता है, लगभग 6 से 7 साल वहीं पर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो आप तुम लोग बैठो तब निकलते हैं, घर पहुँचने के बाद आंटी को फोन कर देना, बिल्कुल बिल्कुल फोन कर देंगे। तो आंटी जा रही है जी यहाँ से, उधर मेरा सीढ़ी है, उधर से ही निकलेंगे। आंटी तो चली गई जी और काफी अजीब सा लग रहा है क्योंकि आंटी से एक अलग ही अटैचमेंट है, और बात यह है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने आंटी को ही देखा है, जब मैं 6 महीने का था नानी लेकर के चली गई थी और आंटी थी उस समय वहाँ पर, तो नानी और आंटी मिलकर के ही मेरा देखभाल की है, तो जब से मैंने आँख खोला है और किसी को जो माँ के रूप में देखा है तो नानी को देखा था, आंटी को ही देखा था, नानी का तो स्वर्गवास हो गया कुछ साल पहले, और आंटी का जो ससुराल है हमारी नानी घर के पास में ही है, आंटी के घर तो लगातार आना जाना लगा रहता था, पिछले कुछ 10 साल से जो है मैं गया नहीं, वरना वैसे हर साल जाया करता था वहाँ पर, इंटर के बाद चले गए फिर बाहर कॉलेज में हर सेमेस्टर पर जो छुट्टी मिलता था अपने घर आ जाया करते थे, फिर उसके बाद लग गया जी जॉब, उसके बाद कभी समय ही नहीं मिला, तो इस बार कोशिश है कि जाएंगे इस बार दुर्गा पूजा में वहाँ पर और मुलाकात करेंगे, क्योंकि बहुत याद आ रही है अब नानी घर की। यहाँ पर मम्मी जो है पपीता काट रही है और उधर जो आंटी को छोड़ करके आ गए हैं, सारे अभी गेस्ट लोग घर में थे, कजन पर सभी लोग आए हुए थे, स्वाभाविक है जो कि थोड़ा अलग अलग खाना बनता था, हम लोग तो 60 क्रॉस कर गए हैं, पति पत्नी हम लोग के लिए तो सब्जी वैसा ही बनना चाहे जो कि फायदेमंद हो, इसलिए अब आज से हम लोग का अपना रूटीन जो है शुरू हो गया, इसलिए पपीता की अब मेरी बहन चली, एक बहन पहले सुना कर गई, एक आभा बहन आज सुना करके गई, लेकिन यह दुनिया का रीति रिवाज है, आना जाना लगा रहता है, जब लोग आएंगे जाएंगे
नहीं तो सोनापन या मिलने की खुशी का जो है अनुभव खत्म हो जाए। क्रियांश का नहाना हो गया जी, और क्रियांश जो है अपना भोजन पानी कर लिया, भोजन पानी करके अब जो है क्रियांश सो गया है। और आज आपको क्रियांश का ड्रेस दिखाते हैं जो अपने एक बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर ने भेजा था, जानवर प्रिंस ही, तो आज उनका ड्रेस पहनाया है। वो लोग पूछ भी रहे थे ना कि उनका ड्रेस नहीं पहनाया अभी तक, पहन लिया आज। तो पहन लिया, तो जानवर प्रिंस ही आप लोग बताओ कैसा लग रहा है आपका क्रियांश, और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी बताइए क्रियांश का यह ड्रेस कैसा लग रहा है। हमें तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, घर में भी सबको पसंद आया ना। One hour later. तो जी हमारा हो गया नहाया हुआ, पापा तो कोर्ट गए हुए हैं, और हमारा क्रियांश जो है वह भी आराम से सो रहा है, और यहाँ जिया और मम्मी दोनों का हो रहा है पूजा, तो इन लोग को पूजा करने देते हैं। भूख लग गई है बहुत तेज, लेकिन इंतजार कर रहे हैं इन सभी के पूजा होने का। जैसे ही इन सभी की पूजा हो जाएगी सभी लोग साथ में बैठेंगे खाने खाने का। तो जी अकेले भी खा सकते हैं, लेकिन जब साथ बैठ करके खाते हैं तो उसका कुछ अलग मजा रहता है। खाते भी हैं और दुनिया भर की गप्पे भी होती है, तो उसका भी एक अलग ही मजा है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमार की आज दीदी कहाँ है, किससे बात करता है जी? किशन से बात कर, किशन, किशन से हंसने में इसको उल्टी आ जाता। अब इतना हंसा जो देखो पकड़ के ले जाएगा दादी।